ऐसा गिरोह सक्रिय था जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पाइपलाइन में सेंध लगाकर हर रोज लाखों का डीजल चोरी कर रहा था और कंपनी के कर्मचारियों को जरा सी भी इस बात की भनक नहीं लगी। गैंग के जो कैरियर्स हैं उसके बारे में हमें पहले सूचना मिली थी कि इस तरह से डीजल चोरी करके एक पिकअप निकलेगी। हरमाड़ा थाने के चोमू थाने के हमारे कॉन्स्टेबल का इसमें बड़ा अच्छा रोल रहा है। उनकी इन्फॉर्मेशन पैकेट डेवलप की गई और उस पिकअप से पकड़ के धीरे धीरे आगे इसको लीड को बिल्डअप किया गया। वो तो भला हो पुलिस का जो डीजल से भरे पिकअप को आता जाता देख एक दिन शक के आधार पर ही पिकअप को रोककर जब पूछताछ की तो मामला खुल गया। दरअसल तकनीकी तौर पर माहिर कुछ प्रोफेशनल्स ने मकान से लेकर तेल कंपनी के मुख्य पाइपलाइन तक सुरंग बनाई और वॉल्व जोड़कर पाइपलाइन बिछा दी। डीजल चोरी करने वाले इस गिरोह ने इस मकान में कंट्रोल रूम बनाया। इस कंट्रोल रूम के जरिए ये गिरोह हर रोज हजारों लीटर डीजल चोरी कर ड्रमों में इकट्ठा करता और फिर पिकअप के जरिए सस्ते दामों में पेट्रोल पंपों को सप्लाई कर रहा था। एक्सक्लूसिवली जेसीबी की मदद से वहाँ पे खुदाई की गई है। कुछ उसके जो फोटोग्राफ्स हैं वो भी इस तरह के हैं जिससे पता लगता है कि बहुत डीप लेवल पे जाके इसको बनाया गया था। एंड इस प्रोसेस में भी और समय भी लगेगा। जो पूरा इनका नेटवर्क है उस नेटवर्क को अनर्थ करते हुए भी थोड़ा और समय लगेगा। हालांकि पुलिस की पूछताछ में बहुत कुछ खुलकर सामने आ गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पिकअप गाड़ी, 2 मोटरसाइकिल के साथ ही बड़ी मात्रा में चोरी किया गया डीजल भी बरामद किया। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और गिरोह की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शरद पुरोहित, जी मीडिया,